दोस्तों, सर्दियों में मूली का सलाद खाना तो सभी को पसंद है, लेकिन मूली के पत्तों को फेंक देते हैं। तो आज हम मूली के पत्तों की एक ऐसी चटनी बनाएंगे कि इसके आगे पालक पनीर और सरसों का साग भी फीका लगेगा। ये इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप मूली के पत्तों को कभी भी नहीं फेंकेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राव मंजू किचन में। तो चलिए बनाते हैं मूली के पत्तों की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हेल्दी चटपटी चटनी। चटनी बनाने के लिए मैंने 1 किलो मूली लिए। अब मूली के पत्तों को तोड़कर अलग कर देंगे, क्योंकि चटनी बनाने के लिए हमें मूली का यूज नहीं करना है, सिर्फ मूली के पत्तों की ही चटनी बनाएंगे। ये देखिए, हमने सारे मूली के पत्ते तोड़ लिए और मूली के पीले पत्ते हैं तो उनको हटा देंगे। चटनी बनाने के लिए ताज़ा मूली के पत्ते लेने हैं। ये मूली के पत्तों के डंठल है, इनको भी चटनी में नहीं डालेंगे। तो अब दूसरे बर्तन में इनके पत्ते पत्ते तोड़ लेंगे। मूली के पत्ते वैसे तो हम नहीं खाते हैं, लेकिन इनकी चटनी या सब्जी बनाकर खा सकते हैं। सभी को सर्दियों में मूली और मूली के पत्ते ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि मूली के पत्तों में आयरन और विटामिन्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करते हैं। लगातार मूली के पत्तों को खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। ये देखिए, हमने सारे पत्ते पत्ते अलग कर दिए, लेकिन हमने इन पत्तों को धोया नहीं है, तो अब इनको अच्छे से धो लेंगे। मूली के पत्तों को हमने 3 से 4 बार साफ पानी से अच्छे से धो लिया और अब कढ़ाई में 3 कप पानी डालेंगे। गैस को हाई फ्लेम पर रखकर पानी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। पानी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो अब इसमें ये मूली के पत्ते डाल देंगे जो हमने धोकर रखे हैं। चम्मच से अब इनको पानी में अच्छे से डुबो देंगे। दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। और यदि आपने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मूली के पत्तों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तभी तक इनको पकाना है। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर पत्तों को 3 से 4 मिनट के करीब हो गए पकाते हुए। ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए तो अब इनको थाली में निकाल लेंगे। इनको अब अच्छे से ठंडा कर लेंगे। थोड़ी देर में ही ये मूली के पत्ते अच्छे से ठंडे हो गए तो अब लेंगे मिक्सी का जार। इसमें ये मूली के पत्ते डाल देंगे। मूली के पत्तों को अच्छे से ठंडा करने के बाद ही मिक्सी के जार में डालकर पीसना है। यदि गर्म पत्तों को मिक्सी के जार में डालकर पीसेंगे तो मिक्सी खराब हो सकती है। अब इसमें डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 4 से 5 ही डालेंगे लहसुन की कलियाँ। आप लहसुन नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, बिना लहसुन के भी आप ये चटनी बना सकते हैं। अब इनको पीस लेंगे। ये देखिए, चटनी को हमने बिल्कुल बारीक पीसा है। आपके पास यदि मिक्सी नहीं है तो सिलबट्टे पर भी इसको पीस सकते हैं। और अब कढ़ाई में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। आप तेल की जगह देसी घी भी ले सकते हैं। मैं इस चटनी को तेल में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं ये चटनी ज़्यादा मात्रा में बना रही हूँ और इसको 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रखूँगी। तो इसमें यदि देसी घी डालकर चटनी बनाएंगे तो घी फ्रिज में जम जाएगा और चटनी को बार बार गर्म करना पड़ेगा। तेल में ये चटनी बनाएंगे तो तेल फ्रिज में जमेगा नहीं और चटनी को बार बार गर्म करना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप कम मात्रा में ये चटनी बना रहे हैं तो देसी घी डालकर ये चटनी बनाएंगे तो चटनी का टेस्ट डबल हो जाएगा। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा जब हल्का सा भुन जाएगा तो अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। मैंने टमाटर को बारीक पीस कर डाला है, आप टमाटर को कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि मूली के पत्ते भी हल्के से नमकीन होते हैं। वैसे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरीके से मूली के पत्तों की चटनी बनाएंगे तो कम मसाले में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी बनेगी। थोड़ी देर में ही टमाटर अच्छे से पक गए। ये देखिए, इसमें से तेल अलग हो गया तो अब इसमें ये मूली के पत्ते डाल देंगे जो हमने लहसुन और हरी मिर्च डालकर पीस कर रखे हैं। जार में थोड़ा सा पानी डालकर जार को थोड़ा हिला देंगे ताकि जो जार में चटनी चिपकी हुई है वो भी निकल जाए। अब इसको भी अच्छे से मिला देंगे।
एक बार आप इस तरीके से मूली के पत्तों की चटनी बनाकर जरूर देखना, ये वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इसमें आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे ताकि चटनी का टेस्ट और भी अच्छा हो जाए। आप अमचूर पाउडर की जगह थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इस चटनी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए तभी तक इसको पकाना है। अब हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटी हेल्दी मूली के पत्तों की चटनी तैयार है। अब गैस को बंद कर देंगे। आपको ये चटनी बनाने का तरीका ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।